वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग लास्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। विच चैप्टर? डिविडेंड डिसीजंस। सो ये हमारे सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 9 आता है। चैप्टर नंबर 9 एंड दैट इज अबाउट डिविडेंड डिसीजन। Do you think that dividend related जो decisions है वो हमने सोच समझ के लेने चाहिए? Yes, this it will impact our company's future. Yes or no? क्या impact करेगा? बोलिए क्या impact करेगा? आपकी company के future पर क्या impact करेगा? Dividend जितना भी आप बांट रहे हो नहीं बांट रहे हो उससे क्या होगा? अवेलेबल फंड्स आपकी कंपनी के चेंज हो जाएंगे एवरीवन। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपांशन करना है तो मैंने आज डिविडेंड्स कम देने चाहिए। और ऑब्वियसली अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपांशन प्लान नहीं, कोई ग्रोथ प्लान नहीं, मेरा इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा स्लगिश रहेगा, रिसेशन रिडल रहेगा, तो मैंने क्या करना चाहिए? डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ रिजर्व रखना चाहिए बिकॉज कंटिजेंसी हो सकती है। समझा क्या? सो जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी में ऑप्टिमम ग्रोथ रहेगा तो ऑब्वियसली आपने रिटेन ज्यादा करना चाहिए ताकि आप री इन्वेस्टमेंट कर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा कमाओ। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ? ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको? ग्रोथ इज बी इंटू आर। व्हाट इज बी? रिटेंशन रेशियो। बोलो क्या है? रिटेंशन रेशियो। एंड व्हाट इज आर? Rate of return, what you earn, which is called as IRR. R is called as IRR here. The rate of return which you earn is called as IRR. So B into R is nothing but जो तुम retain कर रहे हो उस पे तो जो तुम earn करोगे उसी को हम बुलाते हैं growth. For example, आप earn कर रहे, आप retain कर रहे हो 75% और उस पर आप earn कर रहे हो 10%, तो आपका growth rate कितना बन गया? 7.5%. समझ में आया बात एवरीवन? तो रिटेंशन इज नथिंग बट जितना भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बचा हुआ पार्ट आपका रिटेंशन रहेगा, और उस पर जो आप अर्न करते हो उसको आईआरआर बोलते हैं, ये रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। मल्टीप्लाई करने से आपको ग्रोथ मिलता है। नाउ ये जो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है, इस चैप्टर में एक्चुअली कुछ अप्रोचेस टू डिविडेंड पॉलिसी है, उसको बोलते हैं अप्रोचेस टू डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें पहला अप्रोच हम लोग आज पढ़ेंगे वो है वॉल्टर्स अप्रोच। क्या नाम है? वॉल्टर्स अप्रोच। सबने ग्रोथ का फॉर्मूला लिखा? लिख लो ग्रोथ का फॉर्मूला बी इंटू आर, वेयर बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो, आर इज इक्वल टू आई आर आर। बी इंटू आर और कुछ फॉर्मूले से, बहुत सिंपल से फॉर्मूले से, वो भी लिख लेते, आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ चांस, बेसिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है? B into R is nothing but retention ratio into rate of return, जिसको IRR बोलते हैं, ठीक है? Then there is one formula called as dividend yield, you know? Dividend yield. ध्यान से सुनो, कोई भी yield रहेगा तो denominator में जितना तुम invest करते हो वो आता है। अब obviously अगर shares की बात करेंगे तो हम क्या invest करते हैं? Face value या market price? मार्केट प्राइस पर शेयर आएगा आपका डिनोमिनेटर में, और क्योंकि ये फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड का इसलिए आएगा डिविडेंड पर शेयर इनटू ऑब्वियसली होगा 100, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न है, यील्ड बोला तो रेट ऑफ रिटर्न होता है, करेक्ट? तो फॉर्मूला क्या बन गया? डीपीएस बाय एमपीएस इनटू 100। एवरीबॉडी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड यील्ड। सिमिलरली यू हैव द फॉर्मूला फॉर अर्निंग्स यील्ड, यू नो? बोलिए फॉर्मूला बनाइए अर्निंग्स यील्ड का, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? EPS by MPS into 100. कोई भी yield रहेगा तो denominator में आपका investment आता है इसलिए MPS आएगा, और क्योंकि ये earnings yield है इसलिए EPS आ गया, ठीक है? तो you can consider this as formula 1, this as formula 2, this as formula 3, then next formula will be fourth one. अब हम बोलेंगे, अगर मैं आपको पूछूं कि dividend rate क्या होता है, dividend rate, इसके लिए तो formula लिखने की जरूरत नहीं, but फिर भी जस्ट बिकॉज हमने यील्ड लिखा इसलिए यहां पर रेट लिख रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब हम डिविडेंड रेट बोलते हैं तो कभी भी वो रेट किस पर लगता है?
फेस वैल्यू पर लगता है ताकि आपको डिविडेंड मिले। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, डीपीएस बाय फेस वैल्यू इंटू 100। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डीपीएस बाय फेस वैल्यू इंटू 100। सपोज आपका फेस वैल्यू 10 है तो ऑब्वियसली 10 इंटू रेट करेंगे सपोज 5%, तो 10 इंटू 5% गिव्स यू 50 पैसे, तो डिविडेंड पर शेयर कम्स टू 50 पैसे। तो उसी को मॉडिफाई करके मैं लिख रहा हूं ना, वैसे बोल रहा हूं। यस, तो इट इज डिविडेंड रेट इज इक्वल टू डीपीएस बाय फेस वैल्यू इंटू 100, बिकॉज रेट कभी भी फेस वैल्यू पर होता है। लिखा, आप सिमिलरली इन दो फॉर्मुलेस को चेंज करके एमपीएस इज इक्वल टू भी बना सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए फॉर्मुला लिखने की जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं। क्या फॉर्मुला रहेगा पहले वाले का, एमपीएस इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन डिविडेंड यील्ड, और वैसे ही सेम एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन अर्निंग्स यील्ड। होपफुली यू अंडरस्टैंड। एंड वन मोर फॉर्मुला विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस चैप्टर, स्टिल क्योंकि यहां पर रेलेवेंट है इसलिए लिख रहा हूं मैं, के इज इक्वल टू 1 बाय पी रेशियो। याद आया, के इज इक्वल टू 1 बाय पी रेशियो। ये फॉर्मूला हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस किया था, बस ये फॉर्मूला हमें इस चैप्टर में यूज में आता है कभी कभी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है। अब हम अप्रोचेस की तरफ जाते हैं, तो पहला अप्रोच हमारा डिविडेंड पॉलिसी का पहला अप्रोच आता है वॉल्टर्स अप्रोच। वॉल्टर्स अप्रोच, क्या नाम है, वॉल्टर्स अप्रोच। क्या बोलता है ये फॉर्मूला, ये लॉजिक क्या बोलता है वॉल्टर्स अप्रोच। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म बोलता है ये, कितने, थ्री। वन इज कॉल्ड ग्रोथ फॉर्म, द अदर इज कॉल्ड स्टेबल फॉर्म, द अदर इज कॉल्ड डिक्लाइन फॉर्म। ग्रोथ स्टेबल डिक्लाइनिंग, ग्रोथ स्टेबल डिक्लाइनिंग। ग्रोथ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, जो केई रेट से ज्यादा रेट अर्न कर रही है। केई कौन सा रेट होता है, जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, वो रेट। मगर अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 14%, मैं रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहा हूं 18-20%, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा फॉर्म बन गया, ग्रोथ फॉर्म बन गया, क्योंकि आपको पे करना है 14 या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 14, मगर मैं अर्न कर रहा हूं 20%। तो ऑब्वियसली जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा मैं अर्न कर रहा हूं, ग्रोथ फॉर्म, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल हम बोलेंगे वॉल्टर्स अप्रोच, फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, और ये क्लासिफिकेशन गॉर्डन का भी रहेगा, दोनों का रहेगा। फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज ग्रोथ फर्म, द अदर इज कॉल्ड एज स्टेबल फर्म, द लास्ट इज कॉल्ड डिक्लाइन फर्म। ग्रोथ फर्म कौन सी फर्म होती है, जहां पे आपका R ग्रेटर देन KE होता है। R ग्रेटर देन KE, व्हाट इज R, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो R ज्यादा है और KE कम है, उसको बोलते हैं ग्रोथ फर्म। इस फर्म ने क्या करना चाहिए, अपना डिविडेंड क्या करना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम देना चाहिए। इसका डिविडेंड पे आउट सबसे कम होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए। क्यों सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 14, मतलब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करोगे तो 14 कमाओगे, मगर मैं अर्न कर रहा हूं 20, तो आप ही का तो पैसा है मेरे पास, तो मेरे पास कितने रेट से अर्न हो रहा है, ग्रो हो रहा है 20% से। आप कितने रेट से ग्रो कर पाओगे, 14% से। किसके पास रहना पसंद करोगे आप, कंपनी के पास। ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज, विप्रो, ये सब कंपनीज क्या करते हैं, डिविडेंड बहुत कम देते हैं। क्यों, क्योंकि इन ये फर्म ग्रोथ फर्म्स है, इनका रेट ऑफ अर्निंग हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई है, तो हमारा पैसा उनके पास रहा हुआ बेटर रहेगा कि हमारे पास, ऑब्वियसली उनके पास। झेपा क्या, इससे क्या होगा, आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, फटाफट आपके शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, करेक्ट। मेरा वीडियो देखा क्या, एक मैंने जो बनाया था फ्राइडे लेक्चर्स में से एक लेक्चर्स मैंने बनाया था, मोहम्मद अनवर, नहीं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुमने अभी तक, किया है ना, बेल आइकन दबाया क्या, दबाओ बेल आइकन। तो वहां पर एक्चुअली एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया, मोहम्मद अनवर, इन्होंने 1980 में 10,000 रुपए विप्रो में इन्वेस्ट किए थे, 10,000 रुपए, उतने रुपए के शेयर्स खरीदे थे इन्होंने, और फिर आज उसकी वैल्यू कितनी है ये जानने के लिए वीडियो देख लो, ठीक है।
ये होता है ग्रोथ फर्म का लॉजिक, ठीक है। तो ग्रोथ फर्म बहुत अमेजिंग फर्म होती है, इस फर्म्स में जितना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन होगा उतना फर्म का शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब ऐसा लगेगा तुमको कि क्या ही तो हुआ, 10,000 रुपए तो इन्वेस्ट किए थे, कितना होगा, हो कि 2 करोड़ 5 करोड़, इट इज ट्रिमेंडस अमाउंट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट इज ट्रिमेंडस अमाउंट। इतने दूर जाने की भी जरूरत नहीं, कुछ सालों पहले किसी ने अगर ये खरीदा रहेगा रॉयल एनफील्ड वाला बाइक, उसने बाइक के जगह अगर शेयर खरीदे रहते ना तो उसके पास 2 फरारी होते, आज वो बाइक का वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा जो उसके पास शायद उस जमाने का रहेगा, मगर उसके पास 2 फरारी होते उतने का उसका शेयर वैल्यू हो जाता। तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट, और ये शेयर्स में होता है, ग्रोथ फर्म में होता है मेनली। स्टेबल फर्म वो होती है जहां पर आर इज इक्वल टू के ही होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 14, मैं भी अर्न कर रहा हूं 14 एज अ फर्म, तो ऑब्वियसली पैसा आपके पास रहेगा या मेरे पास रहेगा कोई फर्क नहीं करेगा। इस टाइम पर हम बोलेंगे डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पे आउट। अगर लिटरली लिखा जाए तो इधर 0% आएगा और इधर का डिविडेंड पे आउट कितना आना चाहिए, एनीवेयर बिटवीन 0 to 100%, डजेंट मैटर, 0 हो 10 हो 20 हो 50 हो 80% हो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, यहां पर 0 होना चाहिए, यहां पर 0 से 100 कुछ भी हो सकता है। डिक्लाइनिंग फर्म के केस में आर इज लेस देन के ई, आर इज लेस देन के ई मतलब क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 14%, मैं अर्न कर रहा हूं 10% 9%, ऑब्वियसली आपके पास पैसा रहेगा तो आप ग्रो कर पाओगे उसे कितने रेट से, 14 से, मेरे पास रहेगा तो मैं कितने रेट से ग्रो कर रहा हूं, 9% से, बेटर है ना, आपके पास रहना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, मैंने अपने रिटेन्ड अर्निंग को रिटेन नहीं करते हुए आपको दे देना चाहिए एज डिविडेंड्स, मतलब करंट ईयर प्रॉफिट शुड नॉट बी रिटेन, इट शुड बी पेड एज डिविडेंड्स। सो यहां पर डिविडेंड पे आउट मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग 100% होना चाहिए, I use the word theoretically speaking, because practically 100% dividend possible ही नहीं है। So that is firms, growth firm, stable firm, declining firm। यहां तक का पार्ट समझा सबको, any doubt? अब इसके बाद वॉल्टर, और ये सेम क्लासिफिकेशन गॉर्डन का भी है ठीक है, तो गॉर्डन एज वेल एज वॉल्टर दोनों का फर्म का क्लासिफिकेशन यही है और डिविडेंड के रिकमेंडेशन भी यही है। नाउ कमिंग टू वॉल्टर का फॉर्मूला, वॉल्टर्स का फॉर्मूला है थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू पी जीरो, मतलब करंट मार्केट प्राइस, बट वॉट यू आर कैलकुलेटिंग आज वो बुक्स में है, रियल में थोड़ा ना ऐसा होता है, रियल में वैल्यू तो डिमांड एंड सप्लाई से चेंज होता है, इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम होता है ना उससे चेंज होता है। ये हम बोलेंगे थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के। देखिए जैसा लगता है ये फॉर्मूला आपको, अरे के इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो था ना, तो पी जीरो इज इक्वल टू अगर मॉडिफाई किया तो डी बाई के हो गया ना एवरीवन, तो डिविडेंड बाय के किया प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी बोलता है, ये बोलता है सिर्फ डिविडेंड का इंपैक्ट क्यों ले रहे हो, जो रिटेन अर्निंग किया उसका भी इंपैक्ट लो, क्योंकि शेयर के प्राइस में उसका इंपैक्ट भी तो आता है। तो ये बोलता है कि इसके अलावा जो भी तुमने कमाया था उसको अर्निंग पर शेयर बोलो, उसमें से जितना भी डिविडेंड बांट दिया उसको डिविडेंड पर शेयर लेस कर दो। ब्रैकेट में लिखा हुआ फिगर क्या है, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग को मल्टीप्लाइड बाय आर कर दो, व्हाट इज आर, रेट ऑफ रिटर्न, तो आप जो रिटेन अर्निंग पर अर्न कर रहे हो वो आ गया, और वो एक बार नहीं होगा, हर साल होगा कंटिन्यूअसली होगा, तो उसको डिवाइडेड बाय के ही कर दो, उसको डिवाइडेड बाय के ही कर दो। समझा कि नहीं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बना, डी प्लस आर इंटू ई माइनस डी बाय के ही होल डिवाइडेड बाय के ही। बट आपने ऑब्जर्व किया कि ये पार्ट एक बार डिवाइड बाय के ही होकर फिर डिवाइड बाय के ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्चुअली सेकेंड सीरीज ऑफ एन्युटी भी शुरू हो रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हो अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, वो आ गया रिटेन अर्निंग, उस पर आप जो अर्न कर रहे हो करेक्ट, वो अर्निंग हर साल होगा,
हर साल ऐसे ही आप कुछ ना कुछ कमाओगे, कुछ डिविडेंड बांटोगे, कुछ रिटेन होगा, रिटेन पर कुछ अर्न करोगे, ये एक सीक्वेंस ऑफ अर्निंग हो गया आपका, यू कैन से एन्यूटी हो गया, सीक्वेंस ऑफ एन्यूटी, उसको डिवाइड बाय के कर कर उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। बट आप ये भी तो सोचो ना कि जो कमाया जा रहा है वो भी तो रीइन्वेस्ट होगा, जो कमाया जाएगा वो भी तो रीइन्वेस्ट होगा। तो सेकंड सीरीज ऑफ एन्यूटी यहां पर शुरू हो रही है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर यू हैव अर्नड 10 रुपीज, यू पेड डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज, कितना रिटर्न अर्निंग है? 8 पर तुमने कमाया 10%, कितना हो गया? 80 पैसे। 80 पैसे को तुमने डिवाइडेड बाय सपोज 10% कर दिया, कितना हो गया? 8 रुपए, करेक्ट एवरीवन। अब मगर जो 80 पैसे तुमने कमाए थे फर्स्ट ईयर, ऐसी सेम 80 पैसे तुमने सेकंड ईयर कमाए रहेंगे, ऐसी सेम 80 पैसे तुमने थर्ड ईयर कमाए रहेंगे, जिसका प्रेजेंट वैल्यू तुम 8 रुपए बोल रहे हो। बट तुम ये सोचो कि जो कमाया जा रहा है 80 पैसे, वो भी तो रीइन्वेस्ट हो रहा होगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ एवरीवन? तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? डी प्लस आर इंटू ई माइनस डी अपॉन के होल डिवाइड बाय के। उसको सिंपलर फॉर्म में ज्यादातर ऐसा लिखा जाता है, डी प्लस आर बाय के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाय के, ठीक है? क्योंकि वैसे भी उसके बीच में कोई प्लस साइन वगैरह नहीं है, तो उसको हम लोग सिर्फ आर बाय के लिखे या होल डिवाइड बाय के लिखे, एक ही बात है ना। उसके आर और ब्रैकेट के बीच में इंटू साइन है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट देयर। थियोरेटिकल प्राइस ऑफ शेयर बोलते हैं इसको, पी जीरो को, थियोरेटिकल प्राइस ऑफ शेयर पी जीरो। वॉल्टर्स अप्रोच के कुछ बेसिक ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक ये बोलता है कि कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न रहेंगे, मतलब आर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए तो आप उसको आर बाय के ही कर रहे हो ना। आप ई माइनस डी इंटू आर कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या 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 अज्यूम कर रहे हो आप कि अर्निंग माइनस डिविडेंड दैट इज रिटेन अर्निंग पर आप एक रेट अर्न कर रहे हो, उसको डिवाइड बाय के ही कर तुमने क्या अज्यूम कर लिया कि वो इनफाइनाइट ईयर्स के लिए सेम रहेगा। तो आपका आर इनफाइनाइट ईयर्स के लिए सेम हो गया, दैट इज ड्रॉबैक नंबर वन। ड्रॉबैक नंबर टू, के भी इनफाइनाइट ईयर्स के लिए सेम रहेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये अज्यूम कर लेता है थर्ड अजम्पशन, जो कि बेसिक अजम्पशन गलत है, कि नो एक्सटर्नल फाइनेंस, ना डेट है, ना प्रेफरेंस है, ना कुछ है। आपका फाइनेंसिंग आपका सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से होगा, रिटेन अर्निंग से ही आपका फाइनेंसिंग होगा। ये जो ई माइनस डी कर रहे हैं ना आप, व्हाट इज दैट? रिटेन अर्निंग्स, उसी से आपका प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग हो रहा है। आप कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज कर रहे, डेट नहीं, प्रेफरेंस नहीं, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी नहीं, कुछ नहीं। होल फाइनेंसिंग इज डन फ्रॉम रिटेन अर्निंग ओनली। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ वॉल्टर्स मॉडल, समझा? तो वॉल्टर मॉडल यूज कर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले आज। उसके अलावा देर इज वन मोर मॉडल, देर आर मेनी मॉडल्स एक्चुअली। पहला सेकंड वाला मॉडल हम देखते हैं, वो है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला हम, ये नाम हमने कहीं सुना है? कहां सुना था? बस सर सुने जैसे लगता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सुना था हमने गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल क्या करता है? इज नथिंग बट आपका फॉर्मूला है गॉर्डन्स मॉडल का, थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू ई इंटू वन माइनस बी अपॉन के माइनस बी इंटू आर। ये फॉर्मूला है आपका गॉर्डन्स मॉडल का। अब ये फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, थोड़ा अच्छे से देखिए। व्हाट इज बी? रिटेंशन रेशियो। सपोज रिटेंशन रेशियो इज 10%, वन माइनस बी क्या हो गया? डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। अगर वो डिविडेंड पे आउट रेशियो को मैं अर्निंग से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिविडेंड ही तो आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो विल गिव मी डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अर्निंग इज 10 रुपीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 90%, तो ऑब्वियसली 10 into 90% गिव्स मी 9 रुपीज का डिविडेंड। झेपा कि नहीं? तो एक्चुअली हमारा न्यूमरेटर और कुछ नहीं है, डी डिविडेंड है उसका। आप
डिविडेंड बुला लो डायरेक्टली, और डिवाइडेड बाय के माइनस जी है ये, बी इंटू आर क्या होता है जी इज इक्वल टू पी। तो कुछ ऐसा देखे जैसा लग रहा है, यस हमने ये फॉर्मूला देखा है, यस। तो फिर इसी को तो मॉडिफाई करके के इज इक्वल टू लिखा था ना अपन ने, के को मॉडिफाई करके ये आ गया, बिकॉज के का फॉर्मूला क्या था याद है आपको, के इज इक्वल टू डी वन बाय पी जीरो प्लस जी इंटू हंड्रेड, करेक्ट। उसको मॉडिफाई करेंगे तो यही तो आएगा एवरीबॉडी। लिख लीजिए, और इनके बीच आप और करके लिख सकते हो, और वेयर का लिस्ट बनाते जाइए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वेयर का लिस्ट बनना चाहिए। जैसे कि इधर आएगा वेयर में d इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड पर शेयर, r इज इक्वल टू आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, E इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, करेक्ट। ये तीन चीजें वेयर की लिस्ट में आएगी ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए। नीचे वाले फॉर्मूले के लिए हम क्या बोलेंगे, B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो, वन माइनस B इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस बी इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो, बी इंटू आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, बी इंटू आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, राइट। तो ये था वॉल्टर्स और गॉर्डन्स मॉडल, इसके बेसिस पर पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। All of you, come to question number one. Question number one पे आ जाइए। Question one क्या बोलता है? The following are the details regarding three companies X, Y, Z Limited. R दिया हुआ है, K दिया हुआ है और E दिया हुआ है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो K तीनों जगह सेम है, दिख रहा है क्या? सिर्फ R में चेंज है, बाकी EPS भी तीनों जगह सेम है, बराबर बराबर क्या? You are required to calculate the effect of dividend payment on the value of the share. Effect of डिविडेंड पेमेंट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ ईच ऑफ द अबव कंपनी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। हर कंपनी के लिए चार सिचुएशन दिए, नो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड इज एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर शेयर, इज 8 रुपीज पर शेयर, इज 10 रुपीज पर शेयर। समझे क्या? तो आपके पास कितने केसेस है? चार। कंपनी कितने? तीन। आंसर कितने आएंगे? 12। चार केसेस से तीनों कंपनी के लिए करना है तो ऑब्वियसली 12 आंसर्स आएंगे आपके पास। सॉल्व करें एवरीवन। तो यहां पर लिखिए सबसे पहले यूजिंग वॉल्टर्स अप्रोच, पी इज इक्वल टू डी प्लस R by K into E minus D whole divided by K। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए फॉर्मूला आप एक बार लिख चुके हो आप, अब उसके बाद तो डायरेक्टली हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर सकते हैं।
टेबल क्या आएगा, डिविडेंड पर शेयर, एवरीवन और क्या लगता है आपको डिविडेंड पर शेयर में, फिर उसके बाद और क्या लगेगा आपको, हाँ आर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है। ये है एक्स लिमिटेड जिसका आर अपन लिख लेंगे 15%, ठीक है। थोड़ा गैप ज्यादा रखो ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो आप वहां पर दिखा सको। फिर आएगा वाई लिमिटेड जिसका आर आप लिखोगे 10% है, और लास्ट में आएगा जेड लिमिटेड जिसका आर आप लिखोगे 8%। इसका भी कैलकुलेशन इधर आएगा, राइट फ्रेंड्स। फर्स्ट डिविडेंड पर शेयर कितना लेंगे, 0, करेक्ट। फिर उसका कैलकुलेशन करके यहां पर आंसर आएगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। पहले 0 वाला सॉल्व कर लेते, तो यहां पर आएगा 0 प्लस 0.15 बाय 0.10 इनटू अर्निंग कितना है 10 माइनस डिविडेंड कितना है 0 होल डिवाइडेड बाय 0.10। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। ₹150, ऑल ऑफ यू, यस गुड वन साहिल, एवरीवन 150 आया क्या? तो 0.15 बाय 0.1 करना है, इनटू 10 करना है, डिवाइडेड बाय 0.1 करना है, आंसर आया। सेकंड केस में आप क्या करोगे, 0 प्लस 0.1 बाय 0.1 हो जाएगा, ये करेक्ट लिख रहे हो क्या, 10 माइनस 0 अपॉन 0.1 हो जाएगा, ये 100, एवरीवन 100 आता है क्या, चेक करो, इट इज नथिंग बट 0.1 बाय 0.1, तो 1 ही होगा। 10 को डिवाइड बाय 0.1 करने से ऑब्वियसली एक 0 ऐड हो जाएगा, मतलब 10 100 हो जाएगा, बराबर। लास्ट केस में इट विल बी 0 प्लस 0.08 बाय 0.10 इंटू 10 माइनस 0 होल डिवाइड बाय 0.10, ₹80, श्योर, यस ₹80 एवरीवन। ऐसे जैसे आपने 0 के लिए सॉल्व किया वैसे आप ₹4 के लिए सॉल्व करोगे, फोर के बाद ₹8 के लिए सॉल्व करोगे, और लास्ट में आप ₹10 के लिए सॉल्व करोगे। तो पहले फोर की बात कर लेते हैं, 4 प्लस 0.15 बाय 0.10 इंटू 10 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 0.10, 130, एवरीबॉडी चेक करो एक बार, सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए, अपने अपने कैलसी पर आया तो ही तुम पास हो।
नेक्स्ट केस, 4 + 0.15 की जगह 0.1 लेना पड़ेगा ना, 0.1/0.1 इंटू 10 - 4 होल डिवाइड बाय 0.1। लास्ट केस में 4 + 0.08/0.1 इंटू 10 - 4 होल डिवाइड बाय 0.1। बोलिए सेकेंड केस में वाई लिमिटेड के केस में आपका आंसर कितना आएगा, 100। और लास्ट केस में आपका आंसर कितना आएगा, 88। श्योर? और आपको नेक्स्ट केस बोला है 8 ना, तो 8 का आंसर निकाल लो, और 8 का आने के बाद में 10 का भी आंसर निकालना है आपको। तो 8 के केस में आप बोलोगे 8 + 0.15/0.10 इंटू 10 - 8 होल डिवाइडेड बाय 0.1। 8 + 0.1/0.1 इंटू 10 - 8 होल डिवाइड बाय 0.1। 8 + 0.08/0.1 इंटू 10 - 8 होल डिवाइड बाय 0.1। बोलिए फर्स्ट केस आंसर 110, सेकेंड वन आंसर 100, लास्ट वन आंसर 96। वेरी गुड। नेक्स्ट एंड लास्ट केस आई विल से 10 + 0.15 × 0.10 - 10 होल डिवाइडेड बाय 0.10। सर वो 10 - 10 वैसे भी जीरो रहे तो ये आगे का पार्ट नहीं लिखा तो चलेगा क्या सर? एग्जाम में तो प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। आंसर में भले ही आपको मालूम है आगे का कुछ आने नहीं वाला है तो वैसे कंसिडर मत कर लो, सीधा 10/0.1 करके आंसर आपका वैसे भी 100 ही आने वाला है। ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मगर दिखाना तो पड़ेगा ना आपको। स्टेप्स को मार्क्स होते दोस्तों, कंक्लूजन को नहीं होते ना आंसर को होते, स्टेप से लेकर कंक्लूजन तक होते। नेक्स्ट केस इट विल बी 10 + 0.10/0.10 इंटू 10 - 10 होल डिवाइड बाय 0.10। और इसका आंसर 100 आता है। लास्ट केस में इट विल बी 10 + 0.08/0.10 इंटू 10 - 10 होल डिवाइडेड बाय 0.10। लास्ट केस में कितना आता है, 100 ही आता है। यस, 100 100 100। वेरी गुड, सही है, सबका आंसर सही है क्या? व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कौन सी फर्म इस केस में ग्रोथ फर्म है? एक्स लिमिटेड को हम बोलेंगे ग्रोथ फर्म, डू यू अग्री? तो अगर ये ग्रोथ फर्म है तो क्या रिकमेंडेशन था आपका, जरा देखिए ऊपर। आपका ग्रोथ फर्म के लिए रिकमेंडेशन था मिनिमम डिविडेंड, कितना डिविडेंड, 0%। तो अगर मैं देखूं नीचे की कैलकुलेशन में तो जीरो डिविडेंड के वक्त आपका वैल्यू 150 आया था जो सबसे हाईएस्ट है। देखो ना आगे, आप 4 रुपीज का डिविडेंड दे रहे हो तो वैल्यू कम हो रहा है, 8 का दे रहे हो तो और वैल्यू कम हो रहा है, 10 का दे रहे हो तो फिर तो और भी कम हो रहा है। करेक्ट है क्या? मतलब जो वॉल्टर्स मॉडल बोलता है वो प्रूव भी हो रहा है। अच्छा, सेकेंड फर्म कौन सा फर्म है? स्टेबल फर्म है। इसलिए आप देख लो उस फर्म में कुछ भी कर लो, आपका डिविडेंड कुछ भी रहने दो, आपका प्राइस पर शेयर जो है वो सेम ही है। कितना है, 100 100 100 100। इसका मतलब जो ऊपर लिखा था वो प्रूव हो रहा है, 0 to 100 कुछ भी डिविडेंड दो चलेगा। लास्ट केस, ये जो जेड लिमिटेड है ये कौन सा फर्म है? डिक्लाइनिंग वाला फर्म है। और इस फर्म के लिए रिकमेंडेशन क्या था, मैक्सिमम डिविडेंड। मैक्सिमम डिविडेंड कहां पर है, 10। तो देखो वैल्यू सबसे ज्यादा उधर ही है, 100 की वैल्यू है। मैक्सिमम डिविडेंड इज नथिंग बट ईपीएस 10 और डिविडेंड पर शेयर भी 10।
ईपीएस 10, डिविडेंड पर शेयर भी 10, उससे तो क्या डिविडेंड देंगे। तो ऑब्वियसली उधर आपका वैल्यू 100 आ रहा है, जबकि अगर तुमने कम डिविडेंड दिया तो आपका वैल्यू 80 आ रहा है। तो डिविडेंड बढ़ाया जाए तो प्राइस भी बढ़ता जाता है, किधर मगर डिक्लाइनिंग फॉर्म में। ग्रोथ फॉर्म में एग्जैक्टली उल्टा होता है, अगर आप डिविडेंड बढ़ा रहे हो तो वैल्यू कम होती है। इसलिए तो मैक्सिमम ग्रोथ वाली फॉर्म जो है वो डिविडेंड्स नहीं देते हैं, समझे। तो ये था आपका वॉल्टर मॉडल, बट दिस इज वर्थ विथ सर्टन अजम्पशंस, ऐसा ट्रू है, अदरवाइज रियल लाइफ में पूरा का पूरा ट्रू नहीं होता है। वो अजम्पशंस लिखे ना अपन ने, नो एक्सटर्नल फाइनेंस, ओनली रिटेन अर्निंग, के रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ना होता है। डन, समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, वॉल्टर मॉडल पे आइए। क्या बोलता है क्वेश्चन 2? हाँ, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। नेट प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स 100 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, IRR है आपका वो। वॉट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 रुपीज बाई यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। तो शेयर प्राइस आपको कितना रखना है? 42। तो कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, यस और नो? हु विल टेल मी द फ्लो, क्या करेंगे बताओ? डी निकालेंगे, कैसे आएगा डी? पी दिया हुआ है 42, डी नहीं पता, आर पता है रेट ऑफ रिटर्न, के ही नहीं है आपके पास, के ही निकालना पड़ेगा पहले। के ही निकालने के लिए क्या करोगे? के ई का फॉर्मूला सोचो ना, के ई का फॉर्मूला कहीं तो भी सिलेबस में यूज किया रहेगा, के ई का फॉर्मूला। ईपीएस नहीं निकालने की जरूरत है उसमें, हाँ ईपीएस निकाल लो। चलो तो फिर क्या करोगे? ईपीएस निकाल के 1/P रेशो, बट पी रेशो के लिए एमपीएस बाई ईपीएस चाहिए। एमपीएस रेडी है 42, ईपीएस तुम निकाल सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। एवरीवन, क्या क्या? के का फॉर्मूला 1/P रेशो, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम आपको क्या है? आपका के निकालना है। आपको के निकालने के लिए आपको क्या लगेगा? एमपीएस बाय ईपीएस, सॉरी, हाँ पी रेशो का फॉर्मूला एमपीएस बाय ईपीएस है, तो ईपीएस बाय एमपीएस करना है आपको, 1/P रेशो करना है, करेक्ट। अब आपके पास एमपीएस ऑलरेडी रेडी है, आपको बस ईपीएस निकालना है और उसके आगे बढ़ना है। क्या हम ईपीएस निकाल सकते? तो लिखिए वहां पर, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड की, उसके आगे फिर हम के निकाल लेंगे। एक बार ईपीएस आ जाएगा तो के निकाल लेंगे। पर्टिकुलर्स एंड राइट साइड ऐसे ही छोड़ दो उसको, जब कुछ नंबर्स रुपीस होते हैं तो छोड़ सकते हैं आप ऐसे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे? ईपीएस के लिए नेट प्रॉफिट। डू यू थिंक दिस इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स? यस, वेरी गुड, इन रुपीस लैक्स, नेट प्रॉफिट इन रुपीस लैक्स 30। फिर अगर ये अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स है तो प्रेफरेंस शेयर वाले क्या कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट है वो तेरा, पीएनएल से आने वाला फिगर है वो तेरा, कैसे होगा नेट इनकम नेट प्रॉफिट सेम? नेट प्रॉफिट तुम्हारा पीएनएल का फाइनल फिगर होता है, और नेट इनकम इज नथिंग बट आफ्टर पेइंग टू ऑल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। चलो अकाउंटिंग के लॉजिक से समझाता हूं तुमको। नेट प्रॉफिट पीएनएल का फिगर है,
पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड आता है ना, फिर ये नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा और पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट से आता है ना तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड, समझा कि नहीं? तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू ब्रैकेट, कुछ कैलकुलेशन है क्या? यस, 100 लाख पर 12%, कितना होता है वो 12 लाख, देयरफॉर एनआई नेट इनकम इन रुपीज लाख से सब कुछ है, कितना कितना 18 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वापस से लिख दो इन लाख्स, बट रुपीज मत लिखना इधर अभी, इन लाख्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन लाख्स कितना 3, देयरफॉर अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू एनआई अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना? अरे ये क्लोज नहीं करना है अपने को, कितना 6। अब क्या करेंगे, पी रेशियो इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला, एमपीएस बाय ईपीएस, तो आपके पास एमपीएस है 42, ईपीएस है 6, आंसर बताइए, हाँ 7 times लिखिए वहां पर, 7 times, therefore k is equal to क्या बोलेंगे 1 by p ratio, तो 1 by 7 times कितना 14.28, करेक्ट है, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना, के का फॉर्मूला क्या है, हाँ तो वही फॉर्मूला यूज हुआ है, बस मैंने पी रेशियो निकाल कर निकाला, ये वही फॉर्मूला यूज कर रहे हम लोग, तो 14.28% ये आ गया आपका के। अब आपको बस ये के यूज करना है आपके वॉल्टर वाले फॉर्मूले में, बोलिए वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है, पी जीरो इज इक्वल टू डी प्लस R by K into E minus D whole divided by K, 42 is equal to, dividend पता नहीं अपने को, R कितना दिया है 20, मतलब 0.2 लेना पड़ेगा ना, by K कितना लोगे 0.1428, एंड ई कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है 6 माइनस डी होल डिवाइडेड बाय 0.1428, मैथ्स के दुश्मन हो, इजी है, सॉल्व करो,
6 रुपीज आए, 1 नहीं आता। कैसे सॉल्व करने का इसको? पहले 0.1428 अपोजिट साइड जा सकता है, 42 से मल्टीप्लाई हो सकता है, कितना बनेगा वो? 6 इज इक्वल टू डी प्लस, इसका आंसर कितना आएगा? 0.2 डिवाइड बाय 1.1428, 1.4 इंटू 6 माइनस डी, यही बचा अभी। इतने चीजों को यही बचा अभी। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल सकते हैं हम लोग। 6 इज इक्वल टू डी प्लस 1.4 इंटू 6 कितना होता है? 8.4 माइनस 1.4d। ऑल ऑफ यू समझा क्या? ये 8.4 है, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर नंबर एक साइड लेना पड़ेगा, तो 8.4 उधर जाएगा तो 2.4 आ जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू, और यहां पर क्या होगा, 1d माइनस 1.4d मतलब क्या हुआ, नेगेटिव 0.4d। अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और d इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाय 0.4 हो जाएगा, विच कम्स टू 6। मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया, सब कुछ सिक्वेंशियली सॉल्व किया ताकि आपको समझे कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों की वजह से, जस्ट बिकॉज अपना मैथमेटिकली BMW है, बेसिक में मानते हैं, तो इसलिए ये हार्ड मत बनाओ। FM हार्ड नहीं है, इतनी छोटी चीज की वजह से FM हार्ड मत बनाओ। समझा क्या बेटा? 1 कैसे निकाला था, मिस्टेक समझी? ओके, तो ये आ गया आपका 6। तो आप क्या बोलोगे, कंक्लूजन लिखिए वहां पर, कंक्लूजन लिखिए, द डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी, पे आउट रेशियो पूछा उन्होंने, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बोलोगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, 100% कैसे आया? डीपीएस बाय ईपीएस इंटू 100, डीपीएस बाय ईपीएस इंटू 100, 6 बाय 6 इंटू 100 विदाउट कैलसी, 100%। आगे लिखिए, टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 रुपीज पर शेयर, टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 रुपीज पर शेयर, गुड वन गाइज, गुड वन, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पर आओ। इफ के इज इक्वल टू 11%, ई इज इक्वल टू 15 रुपीज, कैलकुलेट द स्टॉक वैल्यू फॉर एबीसी लिमिटेड फॉर आर 12%, आर 10%, आर 10%, 11 and 10% फॉर द फॉलोइंग लेवल ऑफ डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। कितने पे आउट से? 5। कितने रेट से? 3। आंसर कितने आएंगे? 15 आंसर आएंगे टेबुलर फॉर्मेट में इजीली। यस, गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला लिखने का पहले, अब क्या करने का ध्यान से सुनो, गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला जो आपको पता है वो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखने का, पहले वो जो ओरिजिनली फॉर्मूला दिया था वो लिखने का। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 3 ना, पी इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी इंटू आर, ये फॉर्मूला ओरिजिनली फॉर्मूला दिया हुआ है बराबर, ये लिखने का। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करने का ऐसे यूज कर ले। चलो, कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड। यहां पर हम बोल सकते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो जो क्वेश्चन में दिया है, बट मुझे उससे कुछ भी फायदा नहीं है,
मुझे चाहिए बी रिटेंशन रेशियो चाहिए, तो मैं यहां पर बाजू में लिख दूंगा रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो, एंड ऑब्वियसली क्या होगा वो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो विल गिव मी रिटेंशन रेशियो, जो मैं फॉर्मूले में यूज कर सकता हूं, करेक्ट। मेरे पास ई तो दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते सब जगह अपन। अभी कितने आपके पास आर दिए हुए, 3 आर दिए हुए, तो यहां पर हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू 12%। थोड़ा गैप अच्छा रखिए ताकि सॉल्यूशन क्लियर दिखे। आर इज इक्वल टू 11%, बड़े कॉलम बनाइए। लास्ट में आर इज इक्वल टू 10%। So, कितने पे आउट लेंगे आप, 5-5 पे आउट दिए आपको, तो अगर ये 10% है तो ये 90% बन जाएगा। तो इसको 0.1, 0.9 लिखा हुआ अच्छा रहेगा ना अपने लिए, एवरीवन फॉर्मूले के एंगल से ये 0.1 और ये 0.9 लिखा हुआ अच्छा रहेगा अपने लिए। तो उसका आंसर आएगा पहले यहां पर, पॉइंट टू रहेगा तो 0.8 आएगा, पॉइंट थ्री रहेगा तो 0.7 आएगा, पॉइंट फोर रहेगा तो 0.6 आएगा, पॉइंट फाइव रहेगा तो 0.5 आएगा। टेल मी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखिए, अकॉर्डिंगली फिगर्स पुट अप कीजिए। क्या लिखेंगे, डिविडेंड अर्निंग कितना लिखेंगे, अर्निंग पर शेयर 15 ना, 15 इंटू 1 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय के ई कितना लेंगे, दिया है ना 11%, मतलब 0.11 माइनस ब्रैकेट में लिखो 0.9 इंटू 0.12 इज इक्वल टू, बोलिए ईशा बताओ, 750 बाजू में, 136 एंड 136.36 आता है क्या, 136.36, वेरी गुड रूपाली। नेक्स्ट लास्ट केस में कितना आता है, 75 आता है क्या, 75 लिखा है इधर, बराबर है, चेक कर लो एक बार,
मैं तुम्हारे आंसर लिख रहा हूँ, इट्स नॉट माय आंसर, आई डोंट हैव कैलकुलेटर आल्सो। क्या वो नहीं आ रहा है तुम्हारा? फर्स्ट का 75 आया तुम्हारा, क्या किया कैलकुलेटर पे आपने? 15 × 0.9 कितना है आपका? 15 × 0.1 1.5, दैट डिवाइड बाय 0.11 माइनस 0.9 × 0.12 कितना होता है? उसको 0.11 में से लेस कर दो, 0 भूल गए ना। इसी सेम पैटर्न में आपको सब सॉल्व करना है इधर अच्छे से।
यस, तो यहां पर कुछ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। आपका ये केस का आंसर आता है कितना, 214.29, देन 136.36, एवरीवन लास्ट केस में 100 आता है, लास्ट केस में 100 है क्या? यस 100 है। नेक्स्ट केस में आपका आंसर 173.08 है क्या? 173.08 आता है। नेक्स्ट केस में आपका आंसर 136.36, 112.5, करेक्ट। उसके बाद के केस में आपका आंसर 157.89 आता है, उसके बाद के केस में 136.36। इसको तो सॉल्व करना ही छोड़ दिया रहेगा तुमने, है ना, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी हो ऑब्वियसली आंसर सब जगह सेम ही आने वाला है ना, तभी तो 0 से 100 का पे आउट होता है। नेक्स्ट केस 120, लास्ट केस 150, 136.36, 125। एवरीवन आंसर सबका मैच हुआ क्या? कोई डाउट? तो दिस वाज योर गॉर्डन्स मॉडल, जिसके अंदर हमने इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। इतने कितने हो गए ये, 15 आंसर हो गए। यस, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। सबका आंसर आ गया, ये आगे बढ़े। कैलकुलेशन किसी का नहीं आया कि कुछ जगह तो मैं कर लेता हूं, बोलिए। सब आंसर मैच, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन गॉर्डन्स फॉर्मूला, इसलिए 4 सॉल्व करेंगे। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, मतलब गॉर्डन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों भी यूज करना है आपको। कौन से दोनों? वॉल्टर भी यूज करना है और गॉर्डन भी यूज करना है। ईपीएस दिया हुआ है, के दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है। बोलो, कर सकते हो? करो ट्राई। कम ऑन, सॉल्व दिस प्रॉपरली।
कम ऑन एवरीवन, लास्ट वन मिनट रिमेनिंग। क्या बात है, पहला आंसर रेडी है, यहां पर 62 आ रहा है पहला आंसर, है क्या बराबर? 62 नहीं आंसर, चेक करो एक बार, 62 इज नॉट द आंसर। चलिए आपका आंसर रेडी है क्या? फर्स्ट केस आपका आंसर आता है 80, सॉरी फर्स्ट केस आता है 57.5 और सेकंड केस आता है 80। एवरीवन कैसे निकाला आपने आंसर, ये सॉल्व करके सर, है ना? क्वेश्चन नंबर क्या था वो, 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपने यूज किया पहले कौन सा मॉडल, वॉल्टर। तो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है, P0 इज इक्वल टू डी प्लस आर बाय के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाय
करेक्ट, क्या ये फॉर्मूला है आपका? यस। अब इस केस में आपके पास डी कितना लिया आपने? फोर, फोर कैसे आया? 10 × 40%, करेक्ट। क्यों 40%? बिकॉज रिटेंशन रेशियो इज 60%। सो ये आ गया फोर, फोर के बाद आर कितना लिया आपने? 0.25 डिवाइड बाय के कितना लिया? 0.20 एंड दैट इंटू 10 − 4 होल डिवाइड बाय 0.20। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 57.50 आता है। ये था आपका वॉल्टर। गॉर्डन के केस में आप बोलोगे पी इज इक्वल टू ई इंटू 1 − b अपॉन के ई माइनस बी इंटू आर, करेक्ट। याद रखने का, रही ये फॉर्मूला लॉजिक से याद रखने का, डिविडेंड है ना न्यूमरेटर में, तो डिविडेंड इज नथिंग बट 1 − रिटेंशन इज पे आउट, पे आउट इंटू अर्निंग इज डिविडेंड। तो उस लॉजिक से याद करने का ताकि पीछे आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ही ना गिरे। और बी इंटू आर इज ग्रोथ, तो के माइनस जी की जगह के माइनस बी इंटू आर, करेक्ट। बोलिए ई कितना है आपका इधर? 10 × 1 − रिटेंशन रेशियो कितना है? 0.6 दिया है ना क्वेश्चन में, डिवाइड बाय के 0.20 माइनस क्या? 0.6 × 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 80 आता है। एवरीबॉडी क्लियर? इजी था? कितने मॉडल्स, कितने अप्रोचेस सीखे हमने? दो, वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल। अब हम जा रहे हैं तीसरे अप्रोच की तरफ जिसका नाम है एमएम अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इधर भी मोदी गिलानी है, राइट? मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या बोलता है इधर? आपका आज का शेयर प्राइस, टुडेज प्राइस ऑफ द शेयर, हम लोग पढ़ रहे थर्ड अप्रोच, एमएम अप्रोच। और वो बोलता है टुडेज प्राइस ऑफ द शेयर इज नथिंग बट एक साल बाद का डिविडेंड जो आपको मिलेगा प्लस एक साल बाद का प्राइस जो रहेगा। कहना ऐसे ही एक साल बाद के वैल्यूज हो गए, उसको डिवाइड बाय 1 + r करने का मतलब 1 + k करने का। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला यूज कर रही है लोग, समझा कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r raised to n। तो सर रेस टू एन तो किया ही नहीं, सर रेस टू वन है ना, वैसे भी एक साल बाद की वैल्यूज है ना वो, तो रेस टू वन नहीं लिखा तो भी चलेगा ना। इस लॉजिक से इन्होंने ये फॉर्मूला लाया, आज का शेयर प्राइस इज नथिंग बट एक साल के एंड पे जितना भी डिविडेंड देगा मेरा शेयर प्लस एक साल के एंड पे जितना भी शेयर का प्राइस रहेगा उसको मैं एक साल से डिस्काउंट करके आज पे ला रहा हूं, एज सिंपल एज दिस। और डिस्काउंटिंग के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये पी आप शेयर का प्राइस निकाल रहे हो इसलिए के ही लेना पड़ेगा आपको, डिस्काउंटेड आपको के ही लेना पड़ेगा। अब इसी को मॉडिफाई करके हम पी वन इज इक्वल टू भी बना सकते हैं ना, यही फॉर्मूले को मॉडिफाई करके, और क्या लिख सकते हैं बोलो? पी वन इज इक्वल टू, मॉडिफाई करो ना इसको, पी जीरो इंटू 1 + k − d1। एवरीवन समझे कि नहीं? तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर पूछा रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद का पूछा रहेगा तो ये वैल्यू यूज करना पड़ेगा। समझ गए? तो दिस इज एमएम अप्रोच। बट अभी एमएम अप्रोच के केस में आपके पास एक फॉर्मूले नहीं है, तीन फॉर्मूले है। हम लोग तीन में से एक फॉर्मूला स्क्रैप करेंगे, मतलब उसको यूज कभी करेंगे ही नहीं। आइए आपके नोट्स पे मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा आपका एमएम अप्रोच। मिला? इसमें ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज करें, अभी जस्ट यूज किया ये, करेक्ट। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपने अभी यूज किया, अपन ने बोला इसके अलावा ये भी यूज किया जा सकता है, हम यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो सेकंड फॉर्मूला है ना जो इसके नीचे दिया हुआ है, ये हम यूज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लॉजिक यूज करेंगे। लॉजिक क्या है वो क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझा दूंगा,
ठीक है, तो आपको एक्चुअली ये फॉर्मूला जो नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, उसको कभी यूज करना नहीं है, उसके जगह लॉजिक बहुत सिंपल रहेगा जो आपको समझ जाएगा, एक फ्लो में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है ये वाला यूज करना पड़ेगा आपको, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ फर्म? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस डेल्टा एन, मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, एन इज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, डेल्टा एन इज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। तो कैन आई से दिस इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर? एंड ऑफ द ईयर ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आगे इनटू पी वन, मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कैन आई से ये वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आ गई, मगर माइनस करेंगे हम इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स। इन्वेस्टमेंट हमको एंड ऑफ द ईयर करना होता है, हम देखते हैं उसमें से अर्निंग कितना हमने कमाया वो लेस कर देते हम लोग। तो कह रहे से ये ब्रैकेट में लिखा हुआ एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड है। आपने साल भर में कमाया अर्निंग 10 लाख, आपको इन्वेस्टमेंट करना है 25 लाख का, तो कहने से आपके पास 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे, तो हमने वैल्यू में से उसको माइनस कर दिया क्योंकि वो एक्स्ट्रा लगने वाले थे आपको। तो ये आ गया आपका ईयर के एंड का वैल्यू, ईयर के एंड का वैल्यू हमने क्या किया, डिवाइड बाय 1+KE करके एक साल से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ला लिया। ईयर के एंड का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+R किया, मतलब डिवाइड बाय 1+KE किया और उसको आज के वैल्यू पे ला लिया, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ये है वैल्यू ऑफ फर्म टुडे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एन प्लस डेल्टा एन गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इनटू पी वन विल गिव यू वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, माइनस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स। इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स क्यों माइनस किया जा रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा उतना अपने को लगने वाला है, हमने उतना माइनस किया हमारे टोटल वैल्यू में से एंड ऑफ द ईयर के। तो हमें नेट वैल्यू समझ गई एंड ऑफ द ईयर की कितनी है, उसको हमने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाया, और डिस्काउंटिंग के लिए हमने एक साल का डिस्काउंटिंग था इसलिए 1+R किया, और वो आर जो था वो के ही रेट था, समझा? तो ये है वैल्यू ऑफ द फर्म, ये फॉर्मूला भी हमको यूज करना है। अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच, आपकी फर्म डिविडेंड देती हो या नहीं देती हो उसकी वैल्यू एंड ऑफ द ईयर सेम रहेगी। आपकी फर्म डिविडेंड दो या ना दो, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर विल रिमेन सेम। हाउ वी विल चेक इन द क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम दोनों फॉर्मूले, तीनों लॉजिक यूज करेंगे। इनफैक्ट नहीं पूछा रहेगा तो हम क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, हम तीनों लॉजिक निकालेंगे। कौन से तीन लॉजिक? प्राइस जीरो ईयर का जो पहला फॉर्मूला था वो, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इनफैक्ट वो जो ऊपर फॉर्मूला था ना वो डेल्टा एन का फॉर्मूला था, मालूम है क्या? इस फॉर्मूले का डेल्टा एन जो है उसका फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, बट हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैंने बोला आपको एक लॉजिक यूज करेंगे हम लोग। और तीसरी बात, ये वैल्यू ऑफ द फर्म, और वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है आपके पास। और ये जो फॉर्मूला है ये बोलता है आपको कि आपकी फर्म डिविडेंड दो या ना दो, आपका वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द ईयर विल रिमेन सेम। बोलो, अगर सपोज तुझे इन्वेस्टमेंट करना है 25 लाख का, तूने अर्निंग कमाए 10 लाख के, तो एक्स्ट्रा पैसा तुझे कितना रिक्वायर्ड है अभी? 15 लाख तू लेस कर देगा, क्योंकि तेरे फर्म के पास 10 लाख की कमाई थी ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट करना था तुझे 25 लाख का, तो 15 लाख का शॉर्टेज था, तूने तेरे फर्म के वैल्यू में से उतना माइनस कर दिया। राइट एवरीवन, सो फर्स्ट राइट द फॉर्मूलास। हमने पहले ये फॉर्मूला लिखा क्या आपने? विथ लॉजिक लिखो, ये लॉजिक क्या है? प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से आया हुआ लॉजिक है। लिखा, इसके साथ साथ हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला भी लिखेंगे। बोलिए, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग?
देख के मत बोलो, एन प्लस डेल्टा एन, इसको डेल्टा एन को एन वन भी बोलते हैं, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स को एन वन भी बोलते हैं। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको इनटू पी वन करेंगे तो प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आ गया टोटल इक्विटी का वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। माइनस करेंगे आई माइनस ई, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स, और फिर उसको डिवाइड बाय करेंगे वन प्लस आर मतलब वन प्लस के से। याद हो गए क्या फॉर्मूला इज इधर ही? यस, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है वैल्यू ऑफ फर्म का। तो गाइज ये है आपका एमएम अप्रोच, और इसके साथ साथ हम एक और अप्रोच पढ़ने वाले, वो है लिटनर्स अप्रोच। पहले ये समझ गए अच्छे से? यस, फोर्थ अप्रोच पे आइए। फोर्थ अप्रोच विल बी लिटनर्स अप्रोच। लिटनर्स अप्रोच, ये अप्रोच क्या बोलता है ध्यान से सुनिए, डिविडेंड ऑफ ईयर वन विल बी इक्वल टू डिविडेंड ऑफ ईयर जीरो प्लस, डोंट राइट एनीथिंग, डिविडेंड ऑफ ईयर वन विल बी नथिंग बट डिविडेंड ऑफ ईयर जीरो प्लस ईपीएस ऑफ दिस ईयर इंटू टारगेट पे आउट रेशियो ऑफ दिस ईयर माइनस डी जीरो होल ब्रैकेट इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है, बट एक जगह एक गड़बड़ी सिर्फ। ठीक है, ये क्या बोलता है ध्यान से सुनिए, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंट ऑफ 2023 निकालना है आपको, तो आप ले लो डिविडेंट ऑफ 2022, मान लो 2 मिनट के लिए 22 का डिविडेंड आपने पे किया था 5 रुपए, करेक्ट, प्लस आपको इस साल कितनी अर्निंग हुई है, सपोज आपको अर्निंग हुई है 20 रुपए की पर शेयर, उसमें से आपको देने की इच्छा कितनी है, 50% देने की इच्छा आपको, मतलब कितना देने का इच्छा आपको, 10 रुपीज देने की इच्छा है आपको, बराबर है कि नहीं एवरीवन, 10 रुपीज देने की इच्छा है आपको, मगर लास्ट ईयर तो आपने कितना दिया था, सिर्फ 5 दिया था, तो 10 माइनस 5 करना पड़ेगा आपको, बराबर है कि नहीं। ब्रैकेट्स मत देखो, ब्रैकेट देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे एक काम करता हूं मैं, ये जो है ये जैसे दिया वैसे लिखेंगे, ईपीएस ऑफ 2022, आर यू अंडरस्टैंड, 2023, ईपीएस ऑफ 2023 जितना भी लेटेस्ट ईयर में तुम्हारा ईपीएस है वो, इनटू तुम्हें पे आउट करने की इच्छा है टारगेट, तो टारगेट पे आउट तुमको कितना पे आउट करने का इच्छा था, 10 रुपए में से, अभी कैलकुलेशन इसका भी दिखाना पड़ेगा ना मुझे, तो इसका कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा। ईपीएस ऑफ 2023 कितना है अपना, 20 रुपीज है, आपने को उसमें से कितना देने की इच्छा थी, 50% देने की इच्छा थी, तो लॉजिकली स्पीकिंग आपने को 10 रुपए देने की इच्छा है अभी। बट ये क्या बोलता है, ठीक है ये इच्छा है, थोड़ा कंट्रोल करो, आपने लास्ट ईयर कितना दिया माइनस करो, लास्ट ईयर तो अपन ने 5 ही दिया, मतलब इस बार तुम्हें एक्स्ट्रा 5 देना है, लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना था, 5, अगर सिर्फ तुम्हारी इच्छा को कंसिडर करेंगे तो 5 से सीधा तुम जंप कर रहे हो 10 पे, यस और नो, बिकॉज इस बार का ईपीएस कितना है, 20 रुपए, आपको देने की इच्छा कितनी है, टारगेट पे आउट कितना है आपका, 50%, मतलब आप तो सीधा 20 रुपए का 50% 10 रुपए देना चाहते हो, मगर लास्ट ईयर कितना दिया था, 5, इस बार कितना दे रहे हो, 10, इतना वोलेटिलिटी डिविडेंड में नहीं चलता है, ये बोलता है इतना वोलेटिलिटी डिविडेंड में नहीं चलता है, एक काम करो इसमें से जितना भी डिविडेंड तुमने लास्ट ईयर दिया था वो लेस करो, तो अपन इसलिए नीचे लेस किया 5, ये ब्रैकेट आपको दिखा रहा है एक्स्ट्रा कितना देना है तुझे, ये ब्रैकेट तुम्हें दिखा रहा है एक्स्ट्रा तुम्हें 5 देने की इच्छा है, उसको मल्टीप्लाई कर लो आपके एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। व्हाट इज एडजस्टमेंट फैक्टर, वही बोला मैं एक गड़बड़ी इस फॉर्मूले में, वो एडजस्टमेंट फैक्टर कंपनी डिसाइड करता है, और वो किस बेसिस पे डिसाइड करता है, वो डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पर, तो कंपनी बोलता है कि एक्स्ट्रा 5 देने की इच्छा थी तो इस बार अपन 0.7 एडजस्टमेंट फैक्टर रखते हैं, मतलब अपन 70% एडजस्ट कर रहे हैं इस बार, अगली बार 0.8 रखेंगे या 0.85 रखेंगे, उसके अगली बार 0.9 या 0.95 रख देंगे, और उसकी अगली बार 1 कर देंगे उसको, तो एडजस्टमेंट फैक्टर इज नथिंग बट द रेट ऑफ एडजस्टमेंट टू रीच योर टारगेट, रेट ऑफ एडजस्टमेंट टू रीच योर टारगेट रियल लाइफ में कैसे अचीव होता है वो तो बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है, थियोरेटिकली स्पीकिंग क्वेश्चन में हर वक्त दिया रहेगा,
अगर तुमको सिर्फ एग्जाम राइटिंग का टेंशन है तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में दिया रहता है, वो एडजस्टमेंट फैक्टर आपको लेना है। एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब क्या है कि आप जो एक्स्ट्रा 5 दे रहे हो वो अचानक से अचीव नहीं करना है, आपको धीरे धीरे जाकर उसके नजदीक पहुंचना है। तो हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपका एडजस्टमेंट फैक्टर 0.4 हो सिर्फ, सेकेंड ईयर में 0.6 हो, अगले ईयर में 0.75 हो, उसके अगले ईयर में 0.9 हो, उसके अगले ईयर में 1 तक जाएगा वो। तो अगर ये 1 के नजदीक जा रहा है मतलब तुम्हारा दिमाग में जो टारगेट है ना वो अचीव हो रहा है, बट वो धीरे धीरे अचीव करना है तुम्हें। झेपा क्या? तो एडजस्टमेंट फैक्टर तुमने किस पे लगाया? मगर पूरे डिविडेंड जितने देने की इच्छा थी उस पर लगाया क्या? जितना तुम्हें एक्स्ट्रा देने की इच्छा है ना उस पर लगाया तुमने, और वो एक्स्ट्रा देने की इच्छा के लिए तुमने क्या किया फिर? इस बार के ईपीएस को इस बार के टारगेट पे आउट से मल्टीप्लाई कर माइनस किया लास्ट ईयर का डिविडेंड। तुम ये नंबर्स को देखोगे तुम्हें और अच्छा समझेगा। इस बार का ईपीएस 20 रुपए था, मैं जिसे फ्लो बोल रहा हूं वैसे सॉल्व करो अभी दिमाग में। इस बार का ईपीएस कितना था बोलो? 20 रुपए। कितना देने की इच्छा है? 50%, मतलब अमाउंट कितना आएगा? 10 रुपए, करेक्ट। लास्ट ईयर कितना दिया था? माइनस कर दो 5। एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो इस साल? 5। 5 अचानक से अचीव नहीं हो सकता, 70% एडजस्टमेंट। 5 का 70% कितना होता है? 3.5, करेक्ट। और प्लस लास्ट ईयर जितना दिया था उतना तो दे ही सकते, तो इसलिए 5 की जगह 5 दे देंगे तो फिर टोटल हो जाएगा 8.5। समझ गए? अगर ये एडजस्टमेंट फैक्टर को कम करोगे तो आपका ऑब्वियसली डिविडेंड कम होगा, एडजस्टमेंट फैक्टर को बढ़ाओगे तो डिविडेंड बढ़ेगा। इस बार का ईपीएस इनटू इस बार का टारगेट पे आउट माइनस लास्ट ईयर का डिविडेंड विल गिव यू एक्स्ट्रा डिविडेंड, जितना आपको देने की इच्छा है मल्टीप्लाई करो उसको एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ, प्लस कर दो लास्ट ईयर का डिविडेंड। दिस इज द फॉर्मूला, लॉजिक समझे क्या एवरीवन? इन अदर वर्ड्स अगर इसको घुमाकर बोलूं तो लास्ट ईयर का डिविडेंड प्लस इस बार का ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट माइनस लास्ट ईयर का डिविडेंड इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर ना दोस्तों सिर्फ एक्स्ट्रा डिविडेंड पे लगता है, एडजस्टमेंट फैक्टर आपके टोटल डिविडेंड जितना भी आपको देने की इच्छा है उस पर लगाकर कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि लास्ट ईयर अगर 5 दिया था तो उस पर एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों लगा रहे हो? तो इस बार जितना एक्स्ट्रा देने की इच्छा है उस पर एडजस्टमेंट फैक्टर लगाओ, और फिर लास्ट ईयर का डिविडेंड ऐड करके जितना भी आता है उतना डिविडेंड हम इस साल दे सकते हैं। समझे एवरीवन? तो ये फॉर्मूला लिखा आपने, लिख लो। और ये फॉर्मूले के साथ साथ आई वांट कि आप ये नीचे के ईयर वाला लॉजिक भी यूज कर लो, साथ में एग्जांपल के लिए लिख दो ये, बट एग्जांपल के लिए सिर्फ ये लिखना, नंबर जो सॉल्व किया वो कुछ नहीं लिखोगे आप। AF is adjustment factor. Obvious सी बात है, अगर मुझे coming year में बड़े investments करने तो मेरा adjustment factor क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर कमिंग ईयर ये अगले साल 2023 में, सपोज ये साल 2023 में आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करना चाहोगे? अरे हाँ, डिविडेंड तुम्हें कम देना है, बराबर, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कम रहेगा, बराबर बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो डिविडेंड तुम्हें क्या करना है? कम देना है। डिविडेंड कम देना है तो तुम एडजस्टमेंट फैक्टर को भी कम रखोगे। बट अगर तुम्हें आज एक दो साल तक कोई नियर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स करने नहीं है तो तुम्हारा एडजस्टमेंट फैक्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका डिविडेंड पे आउट बड़ा होगा। फिर जितना तुम डिविडेंड ज्यादा दोगे ऑब्वियसली उतना रिटेंशन कम रहेगा। लिखा सबने ये? एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस पे आप खुद विदाउट फॉर्मूला देखे? हाँ, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लो। बेस्ड ऑन दिस मॉडल यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5।
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में डिविडेंड डिविडेंट ऑफ 2022 पूछा है, बराबर। तो अपन क्या लेंगे, डिविडेंट ऑफ 2021 प्लस, बराबर कि नहीं, अर्निंग्स ऑफ 2022 इनटू टारगेट पेआउट ऑफ 2022 माइनस डिविडेंट ऑफ 2021 इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.7 दिया हुआ है। तो आपका ये फॉर्मूला यूज करोगे और आंसर निकालोगे, डिविडेंट ऑफ 2022 इज इक्वल टू, बोलो, 1.2 का डिविडेंट लास्ट ईयर का है, इस बार का ईपीएस आपका 3 है और पे आउट करने की इच्छा है आपको 0.6, है ना, तो 2.4 होता है क्या, सॉरी 1.8 आपको पे करने की इच्छा है, मगर लास्ट ईयर तो आपने पे किया था सिर्फ 1.2, इसका मतलब इस बार एक्स्ट्रा 0.6 पे करने की इच्छा है, जिस पे एडजस्टमेंट फैक्टर 0.7 का लगा रहे हो आप, तो आपका फाइनल आंसर कितना, 1.62 रुपीज आता है, रुपीज 1.62। एवरीबॉडी समझा क्या सबको अच्छे से, वेरी गुड। नाउ सेम लाइन बेसिस आई वांट यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन जो है वो है एमएम अप्रोच पर बेस्ड, तो आप टेंथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप पहले खुद से ट्राई कर लो, नहीं जमा तो मैं तो हूं। बिंदास सॉल्व करो, गलती होगी और क्या होगा, यहां पर टेंथ क्वेश्चन में मैं कुछ एडिशन करना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ए बी लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास टू विच द अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, मींस योर के इज 10%, इट करेंटली हैज 1 लाख शेयर्स एट ₹100 ईच, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी दिए हुए 1 लाख। फर्म इज कंटेम्पलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट फिस्कल ईयर, सो कैन आई कॉल दिस एज डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, D1, यस, विच हैज जस्ट बिगन, जानबूझ के बोला है बिकॉज आपको एंड ऑफ द ईयर बताना चाहते हो, तो अगर ईयर अभी बिगन हुआ है और एंड ऑफ द ईयर आप पे कर रहे हो, मतलब वो प्रॉपर D1 है, ऐसा बता रहे हो आपको, ठीक है। Then they are saying answer the following question based on MM model and assume no tax because MM approach tax assume नहीं करता है। Required, what is the price of the share at the end of the year? मतलब क्या पूछ रही है आपको? Price of the share at the end of the year मतलब P1 पूछ रहे। If dividend is not declared, if dividend is declared, ठीक है? Then they are saying second part में, इसको part 2 कर दो, second part, assuming that the firm pays dividend, firm pays dividend and has net income of 10 lakhs. Makes new investment of ₹20 lakhs during the period. How many number of shares must be issued? तो इस second part में अपन लोग without formula solve करेंगे, साथ में solve करेंगे। और third part में लिखिए compute value of firm, compute value of firm if A part dividend is not paid, not declared लिखो, dividend is not declared and B part dividend is declared, ये जो number of shares थे ना वहां पर भी मैं एक change करना चाहूंगा, assuming that the firm pays dividend लिखा हुआ है ना, तो ये answer है, आगे लिखिए एंड ऑल्सो अज्यूम फर्म डज नॉट पे डिविडेंड, ऑल्सो अज्यूम फर्म डज नॉट पे डिविडेंड। अब तो आपके पास पूरा का पूरा एमएम अप्रोच का ये एक यू कैन से पोस्टमार्टम वाला क्वेश्चन हो गया, आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करोगे पहले, सेकेंड और थर्ड पार्ट अपन साथ में सॉल्व करेंगे, सेकेंड साथ में मैं सॉल्व करूंगा, थर्ड आप कर सकते हो, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर चाहिए मुझे, P1 चाहिए आपकी तरफ से, दोनों जगह डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, फॉर्मूले जितने हो सके उतने पीछे मत देखा करो, ठीक है, खुद से ट्राई करा करो।
पी वन निकाल रहे हो आप, याद रखो पी वन निकाल रहे हो। आंसर रेडी है सबका? तो सबसे पहले फॉर्मूला बताएंगे आप मुझे, पी वन इज इक्वल टू पी जीरो इंटू वन प्लस के माइनस डी वन, करेक्ट एवरीवन? ये फॉर्मूला यूज किया सबने, तो अब यहां पर लिखना चाहिए आपने ए पार्ट, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, पूछा ना उन्होंने Not declared ए पार्ट में, और बी पार्ट यहां पर लिखेंगे इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ठीक है एवरी वन? तो बोलिए पी वन इज इक्वल टू, अभी का प्राइस कितना है? 100 रुपीज है ना, है ना? 100 इंटू वन प्लस 0.10, माइनस जीरो करना पड़ेगा इधर, नॉट डिक्लेयर्ड है ना डिविडेंड, और यहां पर क्या होगा P1 इज इक्वल टू 100 इंटू वन प्लस 0.10 माइनस कितने का डिविडेंड है 6 रुपीज, तो ऑब्वियसली इधर का आंसर 110 आएगा, इधर का आंसर 104 आएगा P1। एनी डाउट? परफेक्टली अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। अब इसके साथ आपका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर रेडी हो गया। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स दैट नीड टू बी इश्यूड इफ फर्म पेज डिविडेंड एंड नॉट पेज डिविडेंड। अपन तो दोनों सॉल्व करने वाले, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले, ठीक है, एक के नीचे एक सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहले जो पूछ रहे वो सॉल्व करते हैं। फर्म क्या बोल रहे ये लोग? पेज डिविडेंड, ठीक है। पेज डिविडेंड मतलब मेरा प्राइस कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 104 लेना पड़ेगा, करेक्ट? फर्स्ट पार्ट के लिए ये बोल रहे हैं assuming that the firm pays dividend and has net income of 10 lakhs and makes new investment of 20 lakhs, number of shares required to be issued. तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको? आपने कितना नेट इनकम कमाया? 10 लाख। कितना डिविडेंड बांटा? 6 लाख कैसे आए?
₹6 पर शेयर इंटू 1 लाख शेयर्स, करेक्ट? लिखिए मेरे साथ, न्यू इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, कितने का इन्वेस्टमेंट करना है तुम्हें? राइट हैंड कॉर्नर में लिखिए 20 लाख, करेक्ट? न्यू इन्वेस्टमेंट टू बी मेड कितने का है? 20 लाख माइनस रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल, रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल है क्या कुछ? रिटेन अर्निंग अवेलेबल, यस, हमने कमाया कितना? 10 लाख कमाया, माइनस डिविडेंड कितना बांटा अपन ने? 6 लाख कैसे आया? 6 × 1 लाख, करेक्ट? 6 × 1 लाख, समझा क्या सबको कैलकुलेशन? तो अपने पास रिटेन अर्निंग कितना अवेलेबल है? 4 लाख। कैन आई से 16 लाख क्या है? फंड्स रिक्वायर्ड टू बी रेज बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स, करेक्ट? नहीं, करेक्ट है कि नहीं? फंड्स रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, नाउ प्राइस पर शेयर एट एंड ऑफ द ईयर कितना लेंगे? 104। देयरफोर व्हाट विल हैपन? न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, क्या बुलाते अपन सिंबॉलिकली इसको? डेल्टा एन, डेल्टा एन। 16 लाख डिवाइडेड बाय 104, दैट कम्स टू 15,384.6, ऐसा लिखो पहले, फिर लिखो से 15,385, से 15,385 लिखा, समझा? आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। तो अपन ने ए पार्ट सॉल्व किया, इसका बी पार्ट, इफ डिविडेंट इज नॉट पेड, डिविडेंट इज नॉट पेड, न्यू इन्वेस्टमेंट टू बी मेड कितना? 20 लाख ही आएगा अभी भी। लेस रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल, रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल कितना होगा? पूरा 10 लाख अवेलेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि हम डिविडेंड दे ही नहीं रहे अभी, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज है ये हम फंड इश्यूड, फंड रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड बाय इशूइंग फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर बोलेंगे। फंड्स रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड by issuing equity shares, price per share कितना लेंगे? At the end of year, क्योंकि ये सब at the end of year चल रहा है, कितना? हाँ 110, ये एक एक्सीडेंट पॉइंट है, आप 104 ले लेते हो गलती से, ठीक है 110, therefore new number of shares to be issued जिसको हम डेल्टा एन बुलाएंगे, इट विल बी नथिंग बट 10 लाख डिवाइडेड बाय 110, दैट कम्स टू 90.91, करेक्ट? से
9091 समझ में आया एवरीबॉडी. नाउ बेस्ड ऑन दिस सिंस यू हैव डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स ऑल्सो रेडी विद यू आई वॉन्ट यू टू सॉल्व वैल्यू ऑफ फर्म. तो थर्ड पार्ट पे अपन आ रहे वैल्यू ऑफ फर्म. एक ही बार फॉर्मूला लिख देंगे और दो जगह आंसर निकालेंगे, एक ए साइड और एक बी साइड. वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला बोलो, एन प्लस डेल्टा एन इंटू पी वन माइनस आई माइनस ई होल डिवाइड बाय वन प्लस के. वेरी गुड. ए पार्ट क्या ले रहे हो, डिविडेंड पे किया ना, क्या ए पार्ट क्या है अपना, नॉट डिक्लेयर्ड क्या, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, ये मेरा ए पार्ट लिखाया था मैंने. और बी पार्ट अपन बोलेंगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड.
बोलिए आंसर रेडी है क्या? सॉल्व कीजिए अच्छे से। ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने लू? 1 लाख। एवरीवन वन लाख डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड तब नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऊपर पड़ी है? 9091 ले लेते। आंसर जो भी आएगा उसको राउंड अप करके लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने यहां पे राउंड अप किया है। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड 110 है, माइनस इन्वेस्टमेंट आपको करना है 20 लाख। आपके पास अर्निंग, रिटेन अर्निंग नहीं, अर्निंग 10 लाख का अवेलेबल है। करेक्ट, एग्जाम में कभी भी ऐसे नॉर्मल नंबर और लाख वाले ऐसे लिखने का नहीं जैसे मैंने लिखा है। करेक्ट, ये मैंने लिखा है। ऑब्वियसली ये एग्जाम में हम सॉल्व नहीं कर रहे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लाख्स और नॉर्मल नंबर साथ में नहीं कर रहे ऐसे। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है वो 0.10 है, बराबर। और यहां पर दूसरे साइड जो है वो 1 लाख प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, कितना 15385। अब यहां पर भी तुमने 85 लिखा है, राउंड अप किया है, तो फाइनल आंसर को भी तुम राउंड अप करोगे और फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 104 होगा, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर रहेगा तो प्राइस 104 है, माइनस 20 लाख माइनस वापस 10 लाख ही होगा। सर 10 लाख क्यों, डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, इन्होंने अर्निंग पूछा, रिटेन अर्निंग नहीं पूछा, अर्निंग पूछा है, इसलिए 10 लाख ही अर्निंग आएगा आपका, नेट इनकम आपका 10 लाख ही था। होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 करोड़ आता है, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर 1 करोड़ ही आता है। फर्म का वैल्यू आपके डिविडेंड पॉलिसी से चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है सर? बिकॉज आपके एडजस्टमेंट इधर और इधर हो रहा है, इधर और इधर हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो रहा है। समझे कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग एमएम अप्रोच प्रॉपरली? एंड देखो आपने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने आसानी से एक फ्लो में निकाल लिए विदाउट इवन अ फॉर्मूला। ये पूरा प्रोसीजर से न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए एकदम आसानी से विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, इतने अच्छे फ्लो में आंसर आ रहा है ना, समझ गए क्या? तो कोई भी आप में से फॉर्मूला यूज नहीं करेगा, डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सर एग्जाम में मार्क्स कट तो नहीं होंगे? कुछ नहीं, हम वो फॉर्मूले की ही चीज ऐसे लिख रहे बस। ठीक है, नथिंग टू वरी एट ऑल। यहां तक का पार्ट सबको सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? आज हमने कितने मॉडल कवर अप किए? 4। कौन से 4? पहले हमने स्टार्ट किया था वॉल्टर से। बोलिए फॉर्मूला क्या था? डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के, याद आया? दूसरा फॉर्मूला था आपका गॉर्डन का। गॉर्डन का फॉर्मूला क्या था? ई इंटू 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाय के माइनस बी इंटू आर। तीसरा फॉर्मूला था आपका लिटनर्स मॉडल। लिटनर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या था? डिविडेंट ऑफ दिस ईयर इज इक्वल टू लास्ट ईयर डिविडेंड प्लस दिस ईयर ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट माइनस लास्ट ईयर डिविडेंड दैट ब्रैकेट इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। कैसे, मैं वो फ्लो में बोल रहा हूं जो लॉजिक से अपन ने बात किया था। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला हमने एमएम का देखा था, जिसमें दो फॉर्मूले देखे पहले प्राइस के, पी जीरो एंड पी वन के देखे। पी जीरो का फॉर्मूला था पी वन प्लस डी वन या डी वन प्लस पी वन, कुछ भी बोलो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। इसी को मॉडिफाई करके पी वन का फॉर्मूला बनाया अपन ने। P1 is equal to P0 into 1 plus KE minus D1, correct? फिर हमने new number of shares एक flow में निकाले, इस flow में, and obviously हमने value of firm का formula निकाला। Value of firm का formula क्या था? Old number of shares plus new number of shares at the end of the year, जो issue हो रहा है at the end of the year। Bracket में हम बोलेंगे total number of shares at the end of the year, that multiplied by price at the end of the year, P1।
माइनस आई माइनस ई, इन्वेस्टमेंट जितना करना है, अर्निंग जितना अवेलेबल है, एक्स्ट्रा कितना लगने वाला है वो माइनस किया, ये आ गया एंड ऑफ द ईयर का नेट वैल्यू, उसको डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई करके जीरो ईयर पे लाया वैल्यू ऑफ फर्म, करेक्ट। और एक और हिंट याद रखना, एमएम अप्रोच बोलता है कि आप डिविडेंड पे करो या ना करो, वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर रिमेन्स सेम। तो गलती से अगर कुछ गड़बड़ वड़बड़ हुई एग्जाम में, दो जगह अलग वैल्यू आ रही है, तो आपने कुछ मिस्टेक किया रहेगा, करेक्ट। उस लॉजिक से आप फिर रेक्टिफाई कर सकते हो आपके आंसर को, वैल्यू ऑफ फर्म हमने इस तरीके से निकाला था, राइट फ्रेंड्स। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है सब कुछ? इसमें जितने आपको मॉडल दिए ना, जितने भी आपको मॉडल दिए, उसमें से एक लास्ट मॉडल बचा हुआ है अभी, वो है ट्रेडिशनल, वो आज करेंगे और फिर स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मॉडल या अप्रोच, कम टू फिफ्थ अप्रोच, इसका नाम, दो नाम है इसके, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं इसको, और इसको ग्राहम एंड डोड मॉडल भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल, ग्राहम डोड मॉडल। ट्रेडिशनल अब्लिक ग्राम एंड डोड मॉडल। नाउ व्हाट दिस मॉडल सेज, ये ऐसा समझ लो आपके सिलेबस का सबसे बकवास मॉडल है, आज तक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट क्वेश्चनर बुक में इस पे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए, तो आप देखना याद से सॉल्व करना आप, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, आज का प्राइस विल बी नथिंग बट मल्टीप्लायर इनटू डिविडेंड प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 3, बस इतना सा होपलेस सा फॉर्मूला है। क्यों होपलेस सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो। ये क्या बोलता है, आपका लास्ट ईयर प्राइस था सपोज 60 रुपीज, आपका लास्ट ईयर डिविडेंड था 10 रुपए, आपका अर्निंग था लास्ट ईयर 20 रुपए, 21 ले लेते, कैलकुलेशन आसान जाएगा, 21, तो डिवाइडेड बाय 3 करो 21 को, 7 आएगा, 7 प्लस 10 करो 17 आ गया, तो अब आपको मल्टीप्लायर का वैल्यू मिलेगा आपके, मतलब ये साइड और ये साइड के बीच का मल्टीप्लायर, ये और ये साइड के बीच के रिलेशनशिप का मल्टीप्लायर मिल जाएगा आपको। तो ऑब्वियसली 17 और उधर है 60, तो 60 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है, 3.53 टाइम्स, ये मल्टीप्लायर आया। तो ये बोलता है कि ये मल्टीप्लायर तेरा लास्ट ईयर था ना, तो ये तेरे कंपनी का मल्टीप्लायर बन गया, अब तू इस बार के प्राइस को निकाल सकता है आसानी से, इस मल्टीप्लायर को यूज कर ले, और इस बार का डिविडेंड जो भी तू देना चाहता है वो रख ले, सपोज तू 12 रुपीज देना चाहता है तो 12 रुपीज रख दे, इस बार का अर्निंग तेरा सपोज पर शेयर 25 रुपए, तो 25 रख दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इस बार का प्राइस मिलेगा। कैलकुलेट मत करो, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि क्या लॉजिक है। ये मल्टीप्लायर वैल्यू निकाला लास्ट ईयर के रिलेशनशिप के बेसिस पर, मतलब देयर इज ऑलवेज रिलेशनशिप बिटवीन लेफ्ट साइड राइट साइड, उसको उन्होंने बुलाया मल्टीप्लायर वैल्यू, और वो मल्टीप्लायर को इधर यूज कर वो क्या कर रहे, इस बार का डिविडेंड इस बार का अर्निंग को डिवाइड बाय 3 कर आंसर निकाल रहे। इसमें नोटिस करने वाली बात यह थी कि दिस मॉडल सेज कि आपको प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिविडेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्निंग कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए अर्निंग को डिवाइडेड बाय 3 किया और डिविडेंड को डिवाइड बाय 3 नहीं किया, मतलब डिविडेंड और अर्निंग के मुकाबले अर्निंग को 1/3 इंपॉर्टेंस है और डिविडेंड को फुल इंपॉर्टेंस है। दिस मॉडल इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू योर डिविडेंड एंड लेस इंपॉर्टेंट टू योर अर्निंग, देयरफॉर अर्निंग डिवाइड बाय 3 किया मगर डिविडेंड को वैसे ही रखा, तो फॉर्मूला क्या बना, डी प्लस ई बाय 3। अब वो 3 क्यों लिया सर, 1/3 क्यों इंपॉर्टेंस लिया, कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं होपलेस मॉडल है ये। तो ई प्लस डी बाय डी प्लस ई बाय 3 किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा है, डिविडेंड को, तो डिविडेंड को वैसे ही रखो और अर्निंग को 1/3 इंपॉर्टेंस दो, इसलिए अर्निंग डिवाइड बाय 3 एंड दैट ब्रैकेट इन टू मल्टीप्लायर विल गिव यू प्राइस। मल्टीप्लायर क्या, मैंने वो एक्सप्लेन किया आपको लास्ट ईयर का डेटा देकर, मल्टीप्लायर इज नथिंग बट लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच का रिलेशनशिप जिसको ये लोग बुला रहे हैं मल्टीप्लायर वैल्यू, जेबा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल और ग्राम एंड डोड मॉडल, लिख लो ये फॉर्मूला।
वेयर एम इज इक्वल टू मल्टीप्लायर और डी इज डिविडेंट इज अर्निंग पर शेयर, डी इज डिविडेंट इज अर्निंग पर शेयर। डन, सबको समझा अच्छे से? एनी डाउट? परफेक्टली अंडरस्टूड। कल हम लोग इसी चैप्टर में डिफेंसिव स्टॉक का स्ट्रैटेजी सुनेंगे, देखेंगे क्या रहता है डिफेंसिव स्टॉक। ठीक है, कल इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे शेयर स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बोनस शेयर्स, राइट इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, ये सब चीजें दे आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिव टू डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड नहीं दिया तो क्या किया? बोनस शेयर इश्यू किया। डिविडेंड नहीं दिया तो क्या किया? शेयर को स्प्लिट किया या रिवर्स स्प्लिट किया। और डिविडेंड नहीं दिया तो क्या किया? राइट इश्यू ऑफ शेयर किया। तो ऐसे अलग अलग यू कैन कॉल देम एज अल्टरनेटिव टू डिविडेंड पॉलिसी। तो वो हम कल देखने वाले, और कल हम लोग डिफेंसिव स्टॉक की स्ट्रैटेजी देखने वाले। फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ योर बैच। दैट टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल सिलेबस I will also tell you how you should study and how you should write the examination. ठीक है? Because your score in the examination depends equally on how you study and how you write the examination. ठीक है? तो कल मिलते हैं दोस्तों, और कल हम लोग ये सब पार्ट अच्छे से कवर कर लेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच।